कल पहली बार मेरी जिंदगी में इतने सालों के जो पढ़ाई किया मैंने और इतने सालों के जो रिसर्च कर रहा था एक एक चीज़ की, मेरा वीडियो का क्वालिटी कैसे अच्छा है, कैसे अच्छा है मेरे ब्लॉगिंग के लिए, कल जाके मैं पहली बार खुश हुआ। और आपको अंदाज़ नहीं होगा मेरी खुशी का जो सीमा है। मतलब यार, मैं जो चाहता था, स्पेशली मेरा स्किन टोन, मैं जब भी कुछ कलर करेक्शन करता था या ग्रेडिंग करता था, सब इट यूज़ टू बी फॉलिंग अपार्ट। मेरा जो कैमरा है 8-bit का कैमरा है, मैं कैमरा के बारे में मोस्टली एवरीथिंग, हाउ टू ऑपरेट, सब कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो क्वालिटी चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। फाइनली ये जो सॉफ्टवेयर है इसने मुझे वो क्वालिटी दिया, डा विंची रिसॉल्व। जैसे भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो अभी आप सोच रहे होंगे यार इस सॉफ्टवेयर में खास क्या है। आज से मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये जो व्लॉग डाल रहा हूँ, इस व्लॉग से लेके मैं जो कुछ भी एडिटिंग करूँगा वो डाविंची में ही करूँगा। मैंने अभी तक पूरा सीखा नहीं है उसको, कल ही मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था और मैंने 1-2 मिनट का वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया था, आपने उसमें देखा कि मेरा क्वालिटी कैसे उभर गया था। उसके बाद जो एक व्लॉग डाला था वो मैंने फाइनल कट प्रो में मैंने एडिटिंग किया था, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं था। आज से जो वीडियो आएगा डाविंची रिसॉल्व से ही मैं एडिटिंग करके डालूंगा। मुझे मालूम है डाविंची रिजॉल्व जो मेरे पास है वो स्टूडियो नहीं है, वो फ्री वर्जन है, लेकिन अगर उससे मेरा काम चल सकता है तो मैं चलाऊंगा, और आगे जाके अगर खरीदना पड़े तो फिर बाद में हम खरीद भी लेंगे। ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करना मैं अभी तक सीखा नहीं है पूरा, कल थोड़ा बहुत जो टाइम मिला रात को मैं पूरा, जब मैंने डिस्कवर किया कि यार ये सॉफ्टवेयर से ऐसा क्वालिटी आ रहा है और उसका जो कोडेक्स है जो एक कैमरा से लेके दूसरे जो फॉर्मेट्स में हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके कोडेक्स बहुत ही ज़्यादा और अच्छी तरह सपोर्ट करता है, और उसके बाद जब हमारा जो वीडियो क्वालिटी जब ऊपर की आया, मैं तो यार दंग रह गया, कसम से बता रहा हूँ। मैंने बोला यार इसको तो सीखना ही पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली कल 11-12 बजे सोने जा रहा था, लेकिन जब मेरे को ये पता चला तो मैं बैठा 4 बजे कल, मतलब आज सुबह मैं सोया। मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग करता हूँ HLG 3 नहीं तो SLog 3 में। सिनेमा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन उसमें भी मेरा जो ब्राइटनेस है और जो डायनामिक रेंज है बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा था मुझे, तो उसके कारण मैं HLG 3 ट्राई करने लग गया पिछले 1 हफ्ते से। और अभी जाके मुझे लग रहा है कि अगर डाविंची रिजॉल्व सपोर्ट करता है HLG 3 को इतने अच्छी तरह, तो क्यों नहीं। और HLG 3 का जो बेस ISO है हम लोग उसको भी बराबर इस्तेमाल करके अच्छा क्वालिटी में भी लेके आ सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। आज खाने में अंडा, चावल और दाल। गेमर का तबीयत सही नहीं है। क्या हो गया? क्या हो गया इसको? इसका महीना चल रहा है। अरे कल रात को इतना आवाज बनाया इसने, सोने लीजिए। क्या हो गया गेमर? भाई साहब धूप इतना तेज है ना इस तरफ, ठंड के टाइम पे ही धूप इधर आता है ऐसे। मैं खा रहा हूँ ब्राउन राइस, अंडा और अचार। ब्राउन राइस क्योंकि मेरे को यूरिक एसिड था, तो ब्राउन राइस बहुत अच्छा है यूरिक एसिड के लिए। तो भैया हेल्थी फूड होता ही है, ब्राउन राइस खाना कोशिश कीजिए, वाइट राइस नहीं। यार हर दिन ये सूखा सूखा जब जगह देखता हूँ ना मैं, अपना देश का याद आता है। इतनी हरियाली है, आप राजस्थान में भी चले गए ऐसा तो नहीं होगा यार, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इधर, ये सब वो सब। दुबई बस कुछ जगहों पर ही खूबसूरत है, वो भी पूरा कंक्रीट बिल्डिंग है, बस बोल रहा कंक्रीट जंगल, वो है दुबई एक्चुअली। मतलब इनका नेचुरल जो चीज़ है मैंने आज तक नहीं देखा, बस रेगिस्तान है और कुछ नहीं है। अपना देश है यार। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने शुरू किया था पिछले साल, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, ये ऐसे रुका हुआ है, अभी तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, इतना गंदा दिख रहा है ये। और इधर खाली एरिया है, इधर भी बिल्डिंग आने वाला, मुझे लग रहा है 5-6 साल में पूरा बिल्डिंग भर जाएगा। ये पूरा खाली एरिया है, इधर एटलीस्ट पार्क बना दीजिए बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग खेल सकते हैं, कुछ नहीं। पूरा दिन भर बच्चे लोग इधर आईपैड में लगे रहते हैं, बस देखो उधर देखो कुछ बच्चे बैट पकड़ के उधर खेलने का देख रहे हैं वो लोग। यार मैं ये वाला जगह ना जितना भी साफ़ कर लूँ साफ नहीं होता, मतलब उस कोने में तो मैं पड़ता हूँ। एक तो ये प्रिंटर के कारण, हमारे पास जगह नहीं है ये प्रिंटर रखने के लिए, और उसके ऊपर से यहाँ इनके जो लीगो जो बना है। और ये देखो ये सब एरिया जो है ना, मुझे कैसे भी पूरा एक अच्छा खासा साफ, अपने पास जगह भी नहीं है यार। और ये ऊपर भी अलमारी के ऊपर भी पूरा फुल हो गया,
रखे तो कहाँ रखे, ये देखो ये सब एरिया जो है हमारा पूरा क्लॉक्ड अप है, इसको कैसे साफ करूँ मैं सोच रहा हूँ अभी। एक्चुअली एक चीज़ करने वाला हूँ, मतलब मैं एक चीज़ फॉलो करने वाला हूँ, वो है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। इसके बारे में मैं बहुत महीनों से सीख रहा था। अभी जैसे मेरे पास ये जो कपड़े, मेरे पास ज़्यादा नहीं है वैसे, मैं रखता भी हूँ इतने जो कपड़े हैं मेरे पास, मैं ये सब उठा के अभी फेंकने वाला हूँ और सिर्फ रखने वाला हूँ 4 या 6 टी शर्ट, दैट्स इट, और मोस्ट प्रॉब्ली सेम कलर के होगा। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता सीधा। जैसे आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स हो गया, फेसबुक के जो मार्क ज़करबर्ग हो गया, ये लोग सब सेम चीज़, मतलब दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर वर्क और ड्रेसिंग वेसिंग पे ज़्यादा नहीं दिखते वो लोग, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू गाइस। तो मैं बहुत कुछ चीज़ें अभी घर के अंदर जितना भी है, अभी जैसे आप देख सकते हो ये पूरा देखो पूरा क्लॉक्ड अप इतना सा, ये सब एक्चुअली यावन का ही देख लीजिए, इतना ज़्यादा पेंसिल है इधर, ये देखो ये तो आधा हमने फेंक दिया इसको, देखो ये सब देखो इतना ज़्यादा पेंसिल है, ये सब फालतू के पड़े हुए हैं और यूज़ भी नहीं करता। तो ये सब एक्चुअली फेंकने का टाइम आ चुका है, बहुत कुछ चीज़ें जो चाहिए वही लो, जब ख़त्म होगा तब जाके लो, नहीं तो ऐसे ही इकट्ठा कर करके पूरा घर जो है ना कबाड़ा बन जाता है और उसके ऊपर से क्लॉकडअप हो जाता है, और क्लॉकडअप होता है अपना ज़िंदगी भी क्लॉकडअप हो जाता है। तो जगह चाहिए होता है आप लोगों को, जैसे कि यू नो फ्री होना चाहिए। अभी पूरा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, सामान ये वो बहुत कुछ चीज़ें। आप जापनीज़ का लाइफस्टाइल देख लीजिए, उनका जो है अभी इतने सारे कोरियन लोग हैं, वो लोग सब कितना मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में जीते हैं वो लोग, जो ज़रूरत है बस उस वही लेने का। तो वो मैं सोच रहा हूँ अभी शुरू करने का, और आज मैं करूँगा बहुत सारे टी शर्ट्स में निकाल के फेंक लूँगा और 4-5 या 6 टी शर्ट्स लेके आऊँगा सेम कलर के और वही पहनूंगा। तो आपसे आप मुझे देखेंगे शायद एक सेम कलर वाला टी शर्ट में देखेंगे, नहीं तो एक दो शर्ट वर्ट होगा उतना ही होगा, और जीन्स रखूंगा बस 2-3, क्योंकि मैं जीन्स ही सबसे ज़्यादा पहनता हूँ घर के अंदर, ये जो है शॉर्ट्स पहनता हूँ मैं। तो वही अभी मैं सोच रहा हूँ आगे से करने का मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। ये देखिए आज क्या मिला मुझे, पैम लेके आई है, ये इधर मिलता नहीं है ये, तो पान पता नहीं फोकस नहीं हो रहा, ये है पान भाई, ये खाने के लिए इतना तरस गया हूँ मैं, लेकिन उतना बड़ा पान नहीं जितना होना चाहिए, इतना छोटा सा पान है ये देखिए। खा के देखते भाई, वाह जनाब फरमाइए। अर्ज किया है, मजा आ गया, लेकिन सुपारी नहीं है, बिना सुपारी के है, सुपारी के साथ मज़ा आया था। मैं दिल्ली में हमेशा खाने के बाद रात को एक पान खाना तो बनता ही है, हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही जाता अपना, इतना मोटे मोटे बनारसी वाले पान होते थे, इधर मिलता ही नहीं, इधर पहले मिलता था बहुत, मिलता है कहीं कहीं पर छुप छुपा के वो लोग बेचते हैं, ये पता नहीं शायद इंडिया से कोई आया वो लेके, इंडिया का पेपर लग रहा है मुझे, तो छुपा छुपा के छुपन छुपाई में बेचते इधर, लेकिन इधर ममनू है, ममनू मतलब मना है, क्योंकि लोग थूक देते हैं रास्ते में ये सब, इसलिए आपको इधर दुबई में ज़्यादा ऐसे थूकना उकना सब नहीं मिलेगा। अपने इंडिया में तो पान खा ले सुपारी खा ले जहाँ चाहे थूकते हैं वो लोग ये सब, तो उसके कारण इधर बैन किया था। पहले मिलता था, बहुत मिलता था पहले, बहुत बंगाली लोग बनाते थे, इंडिया के भी लोग थे बहुत सारे बनाते थे और बेचते थे, अब नहीं मिलता है, दिल्ली याद आ गया। आप लोगों को मैं अपना जो है कैमरा का बैग दिखा देता हूँ, जिसमें मेरे ज़्यादातर केबल्स ऑडियो ये सब सामान रखता है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा केबल्स है मेरे माइक के लिए, ये मोबाइल का जो एनडी फिल्टर के लिए, ये माइक्रोफोन हो गया अगर कोई इंटरव्यू कर रहा है या 2 लोग होंगे व्लॉगिंग के लिए, तो रोड गो टू माइक है,
इसमें दो माइक्रोफोन है, एक कंट्रोलर है, उसके चार्जर केबल्स हैं, ये एन डी फिल्टर है मोबाइल का, ये देखो ये एन डी फिल्टर है और ये यू वी फिल्टर है, एस डी कार्ड, यू एस बी, ऑथमो का, ये गोप्रो का, गोप्रो बोल रहा हूँ, रोड का जो है बैग मिलता है उसके साथ, और उसके फिल्टर्स जो हवा वाला फिल्टर जो है, फिर ये सेम रोड का जो है लैवलियर माइक जो इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसका क्वालिटी ज़बरदस्त है भाई, अडाप्टर ये भी इधर ही रख देता हूँ मैं इसके साथ, तो ये हमेशा मैं लेके घूमता हूँ। ख़त्म यार, पान का मज़ा ख़त्म, पूरा पानी निकल गया, पानी था ही नहीं एक्चुअली, सूखा सूखा था, मैं मुंह साफ करके आता हूँ। चलिए भैया घर का सब्जी ख़त्म हो गया, मार्केट में आके सब्जी लेके आने का, चलते हैं। सुपर मार्केट जब जाते हैं भैया, हमें तो मोबाइल से ही शूट करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग अलाउ नहीं करते, तो मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, देखता भी इसका क्वालिटी डावेंशी रिजॉल्व में कैसा लेता है, वो मैंने टेस्ट भी नहीं किया अभी तक। चलिए दोस्तों, अभी तो सब्जी वब्जी सब लेके आ गया, अभी टाइम बच चुका है 6:30, अब मुझे ये सब सफाई करना है, बहुत कुछ काम बाकी है इधर, और ये एडिटिंग भी करना है कल के लिए, और आज ये जो व्लॉग देख रहे हो आप, ये मैंने पूरा डाविंची रिजॉल्व में एडिट किया है और एक्सपोर्ट किया हुआ है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा डाविंची रिजॉल्व में ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, धन्यवाद, वंदे मातरम।